नमस्कार, बीच टाउन की खबरों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अंकिता। चलिए जानते बॉलीवुड की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार शाहरुख खान का आज 58वां जन्मदिन है। किंग खान के बर्थडे को लेकर उनके फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के तमाम कलाकार भी शाहरुख खान को जन्मदिन की बधाई देते रहे हैं। बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें शाहरुख खान का नाम जरूर शामिल होगा। शाहरुख खान इंडस्ट्री के वो सुपरस्टार हैं जो हर किसी के फेवरेट माने जाते हैं। आज 2 नवंबर है और आज के दिन किंग खान का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। लगता है 2023 शाहरुख खान अपने नाम करके ही रहेंगे। पठान और जवान की सुपर सक्सेस के बाद उनकी अगली फिल्म डंकी की पहली झलक सामने आई है। राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बनी इस मच अवेटेड मूवी का टीजर डंकी ड्रॉप 1 अब फैंस के सामने है। फिल्म की पहली झलक डंकी ड्रॉप 1 राजकुमार हिरानी के सिनेमा की शानदार झलक दिखाता है। फिल्म में चार दोस्तों की कहानी दिखाई गई है जो इंग्लैंड जाने का सपना देख रहे हैं। विदेश जाने के लिए वो सारी जुगत लगा रहे हैं। शाहरुख खान ने अपने इन दोस्तों को लंदन ले जाने की जिम्मेदारी ली है। डंकी प्यार और दोस्ती को सेलिब्रेट करती है। परिणीति चोपड़ा और उनके पति आप नेता राघव चड्ढा ने इस साल अपना पहला करवा चौथ मनाया। इस जोड़े ने 24 सितंबर 2023 को राजस्थान में एक स्वप्निल माहौल में शादी के बंधन में बंध गए। अब कुछ समय पहले अभिनेत्री ने अपने विशेष दिन की कुछ तस्वीरें साझा की है। परिणीति चोपड़ा ने अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। उन्होंने सभी विधि विधान से पूजा की और अपने पति के हाथों से पानी पिया। पहले करवा चौथ के लिए पति राघव ने अपने पत्नी को हाथों में मेहंदी लगाई। परिणीति चोपड़ा ने व्रत खोलते हुए अपने पति का छलनी से दीदार किया और विधि पूर्वक व्रत संपन्न किया। कंगना की तेजस का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हश हो गया है। फिल्म एक दर्शक को तरस रही है। देशभक्ति, भारतीय वायुसेना, कंगना का नाम होने के बावजूद थिएटर्स में फिल्म को भाव नहीं मिल पा रहे हैं। वहीं विनोद चोपड़ा की 12वीं फेल लोगों को धीरे धीरे अपनी ओर खींच रही है। फिल्म का स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट और विक्रांत मैसी की एक्टिंग ऑडियंस को थिएटर जाने पर मजबूर कर रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और मिस वर्ल्ड रह चुकी ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपना कल 50वां जन्मदिन मनाया। एक्ट्रेस के जन्मदिन के खास मौके पर उनकी बेटी आराध्या बच्चन ने अपनी माँ पर प्यार बरसाते हुए स्पीच दी। अभिनेत्री ऐश्वर्या राय को अपनी बेटी आराध्या बच्चन से एक प्यारा सा सरप्राइज मिला जब उन्होंने मीडिया के सामने अपनी माँ के लिए सार्वजनिक स्पीच दी थी। इवेंट का एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है जिसमें आराध्या ने अपनी माँ और उनके प्रयासों की सराहना की। फिलहाल बॉलीवुड की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए बीसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।